चलिए, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पर एक फॉर्मूले में छोटी सी गलती है, n e टू द पावर n यू एन का जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये एक टर्म है जो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम देने वाली है। इसको रिसॉल्व करते हैं। तो मैं निकालना चाहता हूँ n इंटू टू टू द पावर n यू एन का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा आपका, a की वैल्यू 2 है, 2z अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर से उठ के जब ऊपर इनवर्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 2n इंटू टू टू द पावर n माइनस 1 यू एन का जो z ट्रांसफॉर्म होगा होगा आपका z अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये n इंटू टू टू द पावर n माइनस 1 होगा। क्लियर? ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। चलिए अगला क्वेश्चन रिसॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x ऑफ z इज इक्वल्स टू 2z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z प्लस 3 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 और उसकी ROC है mod z लेस देन 1। क्लियर? चलिए ये थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन है तो आप इसके लिए थंब ऑफ रूल बना लें या फिर रूल ऑफ थंब बना लें। वो ये है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो या फिर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तो आपको हमेशा सबसे पहले डिवाइड करना है। क्लियर? चलिए आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिवाइड करके रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है आपका 2z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z प्लस 3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर। क्लियर? z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z माइनस 3z, z स्क्वायर माइनस 3z है ना प्लस 2। क्लियर? तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिवाइड करें, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। क्लियर? अंदर आपका पूरा पूरा फंक्शन आएगा, वो आएगा आपका 2z स्क्वायर माइनस सॉरी 2z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z प्लस 3। क्लियर? तो एक में 2z से पहले डिवाइड करता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2z क्यूब। क्लियर? माइनस 3d सा 6z स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2 था तो प्लस 4z। क्लियर? अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहां पे माइनस साइन कर देंगे, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये कैंसिल, माइनस 5z स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर। क्लियर? तो सिर्फ बचेगा ये z स्क्वायर, है ना, z माइनस 4z तो बचेगा माइनस का 3z प्लस 3। क्लियर? अब ये कितने टाइम्स जाएगा, अब आएगा आपका प्लस 1 टाइम, तो ये जाएगा आपका z स्क्वायर, है ना, माइनस 3z प्लस 2। क्लियर? फिर से साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, z स्क्वायर कैंसिल, 3z भी कैंसिल, 3 माइनस 2 इज 1, तो फाइनल कितना बचा, 1 बचा। क्लियर? चलिए इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये जो है इसको आप सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू जेड प्लस 1। क्लियर? प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। अब आप देख सकते हैं ये x ऑफ z जो है ये हमारे रेशनल फॉर्म में आ गया है। क्लियर? और अब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से। क्लियर? और ये पूरा अलग ही फंक्शन है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसको अभी ड्रॉप कर देता हूँ, इसका तो डायरेक्टली मैं z ट्रांसफॉर्म लिख सकता हूँ, इसके लिए पहले मैं रिजॉल्व करता हूँ। क्लियर? तो इसके लिए मैं रिजॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, है ना, यहाँ पर ऊपर z नहीं है,
तो मैं इस फंक्शन में क्या करूंगा, जेड से मल्टीप्लाई करूंगा और जेड से डिवाइड कर दूंगा। तो एक्स ऑफ जेड इज नथिंग बट जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू। अब जो है मैं इस z को इसके डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, एक्स ऑफ z अपॉन z इज इक्वल्स टू वन अपॉन, क्लियर, z इंटू जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, क्लियर। अब आप इसके फैक्टर भी आसानी से कर सकते हैं, है ना, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, माइनस थ्री है ना, माइनस टू और माइनस वन, क्लियर, वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस वन, क्लियर। अब तो ये बड़ा आसान है ना, इसको अपन तीन फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड माइनस टू प्लस का सी अपॉन जेड माइनस वन, क्लियर। यहाँ पर अब हम ए की वैल्यू पुटान कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, लिमिट, जेड का डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जेड टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और जैसे ही जेड टेंडिंग टू जीरो होगा आप पूरा फंक्शन लिख सकते हैं, वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस वन, है ना, जेड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड का मल्टीप्लाई कर दिया, जेड से जेड कैंसिल, जेड टेंडिंग टू जीरो डाल दिया, जीरो माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस वन, प्लस वन बाई टू, ए की वैल्यू कितनी आई, वन बाई टू। सिमिलरली आप बी की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं, बी की वैल्यू क्या होगी, लिमिट जेड टेंडिंग टू टू, वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस वन, क्लियर, और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जेड के डिनोमिनेटर में जो है जेड माइनस टू का मल्टीप्लाई कर दिया, जेड माइनस टू से जेड माइनस टू कैंसिल, जेड टेन इंटू टू, टू माइनस वन इज वन और ये रहा टू, तो वन बाय टू, बी की वैल्यू भी आ गई आपकी वन बाय टू, क्लियर। सी की वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू वन, क्लियर, वन अपॉन z इंटू जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस वन, क्लियर, z माइनस वन से z माइनस वन कैंसिल, z टेंडिंग टू वन डालेंगे, वन माइनस टू इज माइनस वन, क्लियर, है ना, वन माइनस टू इज माइनस वन और जेड टेंडिंग टू वन डालूंगा तो माइनस वन, सी की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस वन, क्लियर। ए बी और सी तीनों की वैल्यू को मैं वापस पुट ऑन कर रहा हूँ, ए की वैल्यू डाल दी मैंने वन, मैं इस फंक्शन को पूरा रब कर देता हूँ, आई एम सॉरी, यहाँ पर वैल्यू थी आपकी टू जेड प्लस वन आई गेस। एक्स ऑफ जेड अब आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट, x of z is nothing but 2z plus 1 plus a की वैल्यू 1 by 2, 1 by 2 z, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे प्लस, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी z अपॉन z माइनस 2 प्लस c की वैल्यू हो जाएगी z अपॉन z माइनस वन, क्लियर। चलिए इसको और आगे हम रिजॉल्व करते हैं, अभी x ऑफ z के डिनोमिनेटर में z था वो ऊपर जाएगा, है ना, आई एम सॉरी, x ऑफ z के a b और c की वैल्यूज आई अभी तो आपकी, है ना, तो ये जब z भी यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू, क्लियर, a की वैल्यू आई है वन बाई टू, b की वैल्यू भी आई है आपकी 1 बाई टू और c की वैल्यू आई है आपकी माइनस वन, क्लियर, माइनस वन। अब x ऑफ z के डिनोमिनेटर में जो z है वो ऊपर जाएगा तो z से z कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 बाई टू, यहाँ पर बचेगा z अपॉन, क्लियर,
वन बाई टू टाइम्स, वन बाई टू टाइम्स जेड अपॉन जेड माइनस टू, है ना, माइनस, क्लियर, माइनस जेड अपॉन जेड माइनस वन, क्लियर। चलिए इसका और रिजल्ट करते हैं, इसका इन्वर्स लिखते हैं, क्लियर। इसका इन्वर्स की अगर आप बात करते हैं तो इसका इन्वर्स होगा आपका टू जेड, टू जेड का इन्वर्स कैसे लिखेंगे, है ना, अगर ये हो जाएगा आपका डेल ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है आपका वन, क्लियर। तो डेल ऑफ, है ना, डेल ऑफ एन प्लस वन, है ना, इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जेड की पावर वन, तो सिर्फ जेड आ जाएगा, और अगर मैं टू का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका टू जेड का हो जाएगा टू ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल ऑफ एन प्लस वन, पहली टर्म का हो गया वन प्लस वन बाई टू, तो ये टर्म पूरी की पूरी थ्री बाई टू, क्लियर। तो थ्री बाई टू की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर थ्री बाई टू है तो ये आपका कॉन्स्टेंट है, तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ डेल एन, क्लियर। नेक्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, वन बाई टू टाइम्स जेड ऑफ जेड माइनस टू, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू टू द पावर एन यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है जेड अपॉन जेड माइनस टू, क्लियर। यहाँ पर अब आपका वन बाय टू की टर्म प्रेजेंट है, क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ये जो वन बाई टू की टर्म अगर आपको कॉन्स्टेंट यहाँ पर मिल रही है तो आप इस वन बाई टू की टर्म को यहाँ पर भी पहुँचा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, इस वन बाई टू को मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले जा रहा हूँ, तो इसका टू ऊपर चले जाएगा, क्लियर। तो जाएगा टू की पावर एन प्लस वन इंटू यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका जेड अपॉन जेड माइनस टू। ये थर्ड टर्म का भी जेड ट्रांसफॉर्म आ गया, फोर्थ टर्म जेड अपॉन जेड माइनस वन, क्लियर। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, अगेन आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एट द पावर एन, यानी कि यू ऑफ एन, क्लियर, का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अब आपका जेड जेड अपॉन जेड माइनस वन। ये सब आपने जेड ट्रांसफॉर्म तो निकाल दिए, पर किसके लिए निकाल दिए, सारे के सारे राइट साइडेड सिग्नल के लिए, क्लियर। एक बार आर ओ सी चेक कर लेते हैं, आर ओ सी देख रखिए मॉड जेड लेस देन वन, क्लियर। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो दो सिग्नल्स हैं अब आपके ये चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर आर ओ सी लेस देन वन है, यानी कि आपने राइट साइडेड के लिए निकाल दिया है, आपको निकालना है लेफ्ट साइडेड के लिए, क्लियर। तो लेफ्ट साइडेड के लिए अगर आपको निकालना है तो आप इसको लिखेंगे ऐसा, इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका वन बाई टू, चलिए, है ना, ये आपका हो जाएगा टू टू द पावर एन यू ऑफ माइनस का माइनस एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है आपका जेड अपॉन जेड माइनस टू, क्लियर। क्योंकि लेफ्ट साइडेड है फॉर मॉड जेड लेस देन वन, वहाँ पे आपको लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए सॉल्व करना है, क्लियर। और क्योंकि यहाँ पर वन बाई टू है तो यहाँ पर फिर से आप वन बाई टू अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो टू यहाँ पे चला जाएगा, तो माइनस का टू टू द पावर एन प्लस वन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा जेड अपॉन जेड माइनस टू, क्लियर। सिमिलरली इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ये राइट साइडेड है, अब आपको लेफ्ट साइडेड के लिए लिखना है, तो माइनस का यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस वन, क्लियर। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आपको फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये अब सारे फंक्शंस को आप एक साथ लिख देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।